अस्सलाम वालेकुम। कराची में हर तरफ डाकुओं का राज। रेंजर्स का बरतरफ मुलाजिम डकैती के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया। दुनिया हैरान और परेशान, शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चले कि आराम बाग के इलाके में सिंध रेंजर्स का बरतरफ मुलाजिम डकैती की वारदात के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया। साउथ जोन पुलिस के ऐलामिये के मुताबिक डाकू मेडिकल कॉलेज सिग्नल के करीब पुलिस एहलकार मामूल की चेकिंग में मसरूफ थे कि करीब ही दो मुलजिमान ने एक शहरी अमीर हमजा को लूटने की कोशिश की, जिसके शोर मचाने पर पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग के नतीजे में दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम काजिम शाह ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि वो रेंजर्स का मुलाजिम था और 2021 में गैर हाजिरी पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। मुबैना मुकाबले के दौरान मुलजिम का दूसरा साथी रकीब जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से असलाह, मसरूका मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया।